दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 हथियार तस्करों को धर दबोचा है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने अलीपुर इलाके से हथियार सप्लायरों को 1 पिस्तल, 7 देसी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इन तस्करों की पहचान शाहरुख, तरुण और देवेश शर्मा के रूप में हुई है, जिनमें से शाहरुख और तरुण पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग इलीगल आर्म्स के साथ अलीपुर थाने के इलाके में आने वाले हैं, तो हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और उस इन्फॉर्मेशन डेवलप के तहत हमने कल रात को अलीपुर थाने के इलाके में स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ट्रैप लगाया। उस ट्रैप के दौरान हमने 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिनके नाम है, पहले का नाम है शाहरुख, दूसरे एक्यूज का नाम है तरुण और तीसरे का नाम है देवेश शर्मा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहरुख और तरुण की पहले, इन दोनों पर पहले भी एक एक मुकदमा है आर्म्स एक्ट का। तो जब इन तीनों की तलाशी ली गई तो इनके पास से हमें 1 पिस्टल, 7 देसी कट्टे और 18 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसमें हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का जो स्पेशल स्टाफ है, ये मैं मानता हूँ कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि हमारा 15 अगस्त भी बहुत नज़दीक है, उसको इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसी के साथ साथ हमारी इसमें टीम इन तीनों एक्यूज़ के ऊपर काम कर रही है और कहाँ से इन्होंने ये खरीद रहे हैं, सप्लायर कौन है, आगे क्या चेन है, इसके बारे में अभी पूरी जांच हम कर रही है हमारी टीम। जैसे कि आगे इसमें इंफॉर्मेशन जो लीड मिलेगी, हम उसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी और जो आगे की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले इन तस्करों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले इन हथियार तस्करों का पकड़ा जाना कहीं न कहीं राहत की खबर ही है। बहरहाल, पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह से जुड़े अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।